में एनआरओ आहे केड़ो जो ही एनआरओ डे कोर्टुन में आए कोर्टुन हर मानुआ के केस बुद्धि के रिलीफ दियन थियो हने जे वस में हो जे त सबई अस सियासतदान अंदर हो जाऊं पर वस में कोने पर हाने वरी जने अस जो वस इंदो अस के बड़ी थोड़ो गुस्सो इंदो घणो ली अस जो 2027 का 10 फरवरी 27 का 10 मार्च ताणी उते पुजंदा से उते वक्ती 10 दिन में फैसलो करनो आ तो छातो करनो पए मैंने तो कहा ना दो मा तब्दीली कहे हैं लेकिन सिन से अभी क्या इस्तीफा किसने दी है हाँ ये तो देंगे गड़बड़ तो यहाँ से ही शुरू होगी ये खुद होगी इमरान खान के पार्टी से इख्तलाफात वहाँ से होंगे और वैसे तो अपोजिशन का तो रोल अपना है 27 से मैंने पहले भी कहा था 27 फरवरी और 23 मार्च इसमें बहुत कुछ होने वाला है कुछ लोग इमरान खान के पीपल्स पार्टी में आएंगे कुछ लोग पाकिस्तान लेवल पे नवाज लीग में जाएंगे कुछ मौलाना फजल रहमान के पास जाएंगे जैसे ही पहले मौजूदा वजीर आजम इमरान खान आया था ऐसे ही इसी तरह से ही वापस जाएगा और उसी पोजीशन में वापस जाएगा क्योंकि हालात बता रहे हैं ये काम नहीं कर सकता है और इसने डिलीवर नहीं किया है महंगाई उरूज पे है जो पेट्रोल डॉलर और सब्जी इवन भिंडी नहीं मिल रही है तो ऐसे हालात में इनके मुल्क चलाने की बस की बात नहीं है तो इस हालात में अवाम जब 27 से शुरू होगा तहरीक होगी तो उससे पहले ही बीच में 23 और 27 के बीच में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है और भी बात हो सकती है बंजर हो चुकी है वक्तन वक्तन जो आवाज़ गा रहे हैं वो भी करते रहे हैं लेकिन उनका कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा क्या वजह है भाई ये है कि जब पानी सिंध का सिंध के अवाम को सिंध के ज़मीन को नहीं दिया जाएगा और पंजाब जहलम के तरफ से चश्मा जहलम लिंक कैनाल के तरफ से पानी के मोड़ने की कोशिश की जाएगी या पंजनत पे कोशिश की जाएगी तो जब पानी कम होगा तो यहाँ शार्टेज इसलिए है कि एक नहर को खोलते हैं दूसरी नहर को बंद करते हैं वो क्योंकि मरकज से पानी कम आ रहा है और कुछ इनएफिशिएंसी भी अफसरान की है जिसके लिए मैं कहता रहता हूँ लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का जानबूझ करके सिंध को हर एक्टिविटीज से महरूम करना है यानी बंजर भी करना है सिंध को कालाबाग डैम भी बनाने की कोशिश करनी है और सिंध को डेवलपमेंट भी नहीं करनी है ताकि ये पसमंदा रहे ऐसे पसमंदा या इनके हरकतों से सिंध को आवाम कमज़ोर नहीं होंगे बाशऊर आवाम जिस तरह से सहाफत या सहाफ़ियों को या सहाफत से ताल्लुक रखने वाले लोगों को डराया धमकाया जा रहा है ऐसे ज़ियाउल्लाह के टाइम में भी नहीं था मुशरफ के टाइम में भी नहीं था ये बदतरीन डिक्टेटरशिप है मोहसन बेग जैसे अकलमंदाना सहाफ़ियों पे हमला और कहते हैं कि भाई फायर किया यानी गोली चलाने के लिए भाई घर में अगर घुसेंगे तो वो क्या वो समझे शायद हो सकता है कोई डाकू हो और इसी तरह का यहाँ कराची में जो शहीद हुआ है सहाफ़ी इसी तरह का मुसलसल इनकी नाअहली के वजह से ऐसे हालात पैदा होंगे इस दौरान और उसके ज़िम्मेदारी यही होंगे ये तो दूसरे तो इनको कोई अंदर जाएगा कोई कहाँ भाग जाएगा लेकिन ये तो पता नहीं भागने की कोशिश करेंगे लेकिन पकड़े जाएंगे।